हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस उत्तराखंडी संस्कृति चैनल में, जिसमें मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब भी आप उत्तराखंड में जाओगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स जरूर देखें, ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिप होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर मानसून के महीने में 500 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो मानसून के समय में ही जाएं। दोस्तों, फूलों की घाटी, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। यह मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अंदर फूलों की घाटी बसा हुआ है। इस घाटी का सबसे पहला पता फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्डर्सवर्थ ने लगाया था, जो पेशे से एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। जब ये लोग 1931 में अपने सफल अभियान से वापस लौट रहे थे, तो इन लोगों ने अपना रास्ता खो दिया और इस घाटी में उपस्थित सुगंधित फूलों से आकर्षित होकर यहाँ आ पहुँचे। फूलों के इन खूबसूरत नज़ारों से आकर्षित होकर फ्रैंक स्मिथ ने इसे फूलों की घाटी का नाम दे दिया, जिसे आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस घाटी को विश्व धरोहर के रूप में 1982 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था, जो विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। फूलों की घाटी भ्रमण करने के लिए मानसून के महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर को सर्वोच्च माना गया है। इन महीनों में इस घाटी में जाने से 500 से अधिक फूल खिलते हैं, और यही कारण है कि यह घाटी बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए दुनिया भर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। सितंबर के महीने में फूलों की इस घाटी में ब्रह्म कमल खिलता है, जिन्हें देखना बहुतों के नसीब में भी नहीं होता। दोस्तों, यह घाटी हिमालय के पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसमें 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि एशियाई काला भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, लाल लोमड़ी और आदि जानवर पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है, जो समुद्र तल से 3,352 से 3,658 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, इस घाटी की लंबाई करीब 3 किलोमीटर और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। इस घाटी में घूमने के लिए फूलों के बीच में एक पतली सड़क बनाई गई है, ताकि आप इस सड़क मार्ग से इस घाटी के सभी जगहों को आसानी से देख सकें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वैली फ्लावर्स कैसे जा सकते हैं, कितना वहाँ पर किराया लगता है, तो इस वीडियो में बने रहना। इस घाटी के अंदर जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड और 150 रुपये का किराया देना पड़ेगा, तभी आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। फूलों की घाटी आने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ आना पड़ेगा, जो फूलों की घाटी का सबसे नज़दीकी और प्रसिद्ध शहर है। फूलों की घाटी का नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून में, जो कि जॉली ग्रांट के नाम से है, जिसकी दूरी जोशीमठ से करीब 268 किलोमीटर है। देश के प्रमुख शहरों से फ्लाइट द्वारा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पर पहुंचा जा सकता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जोशीमठ आने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों, आपको फूलों के घाटी का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी जोशीमठ से लगभग 290 किलोमीटर है। देश के किसी भी बड़े शहरों से देहरादून जाने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होती है। देहरादून से जोशीमठ बस द्वारा आप बिना किसी परेशानी के पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फूलों के घाटी बस से जाएंगे तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आपको जाना पड़ेगा। उत्तराखंड के इन तीनों शहरों में देश के किसी भी प्रमुख शहरों से ट्रेन और बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इन तीनों शहरों से जोशीमठ आने के लिए रेगुलर बस चलती है। दोस्तों, जोशीमठ पहुंचने के बाद घाटी जाने के लिए सबसे पहले आपको बस या शेयर टैक्सी से गोविंद घाट, जो कि 20 किलोमीटर आना पड़ेगा, और गोविंद घाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे घंघरिया गाँव पड़ेगा, और घंघरिया गाँव से आगे 13 किलोमीटर आपको पुलना गांव फिर जाना पड़ेगा, जो फूलों की घाटी का सबसे निकटतम सड़क बिंदु है। पुलना पहुंचने के बाद फूलों की घाटी जाने के लिए सबसे पहले आपको घंघरिया जाना होगा, जो पुलना से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घंघरिया से फूलों की घाटी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पुलना से फूलों की घाटी 10 से 11 किलोमीटर के इस दूरी को आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। दोस्तों, घंघरा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री हेमकुंड साहिब स्थित है। अगर आप चाहें तो फूलों के घाटी की यात्रा करने के बाद आप यहां भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वैली फ्लावर्स जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप घंघरा गांव में एक दिन जरूर रुकें,
क्योंकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाने के बाद वहाँ रात में ठहरने की कोई सुविधा नहीं है और जिसकी वजह से आपको घूमने के बाद वापस घंघरा गांव में आना पड़ेगा। इसके लिए हो सके तो आप घंघरा गांव में रुकें और वहां से अगले दिन सुबह फूलों की घाटी जाने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, फूलों की घाटी जाते समय आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए? आईडी कार्ड। फूलों की घाटी जाने के लिए आपको फूलों की घाटी में राष्ट्रीय पार्क में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, गर्म कपड़े, वहाँ पे सर्दी में ही नहीं बल्कि बल्कि गर्मियों में भी वहाँ पे ठंड महसूस होती है, इसलिए फूलों की घाटी जाते समय आप अपने पास कुछ गर्म कपड़े और कुछ मोजे जरूर रखें। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए जब भी आप जाएँ तो वहाँ पे पहाड़ों का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए आप रेनकोट जरूर रखें। अगर आप बारिश में भीगोगे तो आपकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ रेनकोट जरूर रखें। और दोस्तों, कुछ मेडिसिन रख लें जैसे कि बुखार वगैरह, पेट दर्द, खांसी, क्योंकि पहाड़ों का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लाइट और टॉर्च जरूर रखें क्योंकि अंधेरा होने के बाद आपको वहाँ पर ज़रूर काम आएगा। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए आपको पानी की कोई दिक्कत तो वैसे नहीं होगी क्योंकि जगह जगह पर पानी के नल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप 1 या 2 लीटर की पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपकी बोतल की जांच की जाएगी। और दोस्तों, कभी भी आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो धीरे धीरे चढ़ें, तेज़ी से ना चढ़ें जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो धीरे धीरे चढ़ोगे तो आप ज़रूर वैली ऑफ फ्लावर्स आराम से पहुँच जाओगे। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ कि जब भी आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाएँ तो नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। चढ़ाई करते वक्त आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें नशीले पदार्थों का और आप जाओ वैली ऑफ फ्लावर्स, आपकी यात्रा सुखद एंड मंगलमय हो। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पार्क को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के आदेश पर प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है, जिसमें आप खाद्य सामग्री जैसे कि चिप्स के पैकेट, मैगी के पैकेट, बिस्किट के पैकेट और अन्य खाद्य पदार्थ सामग्री जो प्लास्टिक की पैकिंग होती है जिसमें, वो आप नहीं ले जा सकते, वो पूर्ण रूप से वर्जित है ले जाना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा उत्तराखंड में एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, ये मैं अपने उत्तराखंड के सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहा था कि प्लास्टिक की बोतल आप ले जा सकते हैं, लेकिन जब भी उस पार्क में प्लास्टिक की बोतल लेकर जाओगे तो आपको उसके कर्मचारियों, जो वहाँ पे गेट में कर्मचारी खड़े रहते हैं, उनको आपको लिखवाना पड़ेगा कि आप इस कलर की बोतल लेके जा रहे हो, और वापस आते टाइम आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने कहीं फेंकी तो नहीं है। अगर आप वहाँ पर फेंक देते हो तो आपको 500 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के ट्रिप में बहुत ज़रूरी काम, बहुत काम आएंगी। दोस्तों, इस पार्क में जाने के बाद फूल, वनस्पतियों और पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाए, जिसकी वजह से आपको 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर शेयर करें और ऐसी जगह ज़रूर जाएं जहां पर आपको 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।